अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू ग्लैमर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आ गई हूँ बहुत दिन के बाद वीडियो लेकर, जो कि है रिव्यू वीडियो ऑन BBA। BBA तो बहुत नोन ब्रांड है पाकिस्तान का, ब्यूटीफाई बाय आमना। ठीक है, ये आपने ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो आज इसका रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो इसके मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे जो कि मैंने अपनी जेब से, अपने ही पैसों से ऑर्डर किए, तो ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले इनका प्रोडक्ट है मेरे पास पोरफेट प्राइमर, छोटी सी मिनी साइज़ में आया है ये। और ये इनका फुल प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ 10 ml है और 30 ml इनकी फुल ट्यूब होती है। इसकी पैकेजिंग बहुत ही आला है, लेकिन इसका प्रोडक्ट बहुत इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। मतलब आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को इसकी तारीफ़ करते हुए ज़रूर सुना होगा। मेरी स्किन है ड्राई टू कॉम्बिनेशन, ठीक है, थोड़ी सी ड्राई से नॉर्मल पे आती है मेरी स्किन। और मैंने ये ना, मतलब कभी कभी सर्दियों में ड्राई हो जाती है, वरना मेरी नॉर्मल स्किन टोन है। ठीक है, तो ये मैंने अपनी स्किन पे लगाया था, मेरी स्किन पे ज़्यादा पोर्स हैं भी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी इसको लगाया। और शादी के ड्यूरेशन में लगाया, जब काफ़ी देर आपको मेकअप को रखना होता है 6 से 7 घंटे, तो ना उस टाइम पे मैंने इसको लगाया था, तो इसकी कवरेज मुझे बिल्कुल ही वैसी मिली जैसे ग्लैमरस फेस का प्राइमर है। और ये प्राइमर काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू उस प्राइमर के, वो काफ़ी चीप है और वो भी वैसा ही काम करता है और ये भी वैसा। इसने फिनिश बहुत अच्छा दिया, बहुत स्मूथ हो गई थी स्किन, बिल्कुल पोर्स नहीं दिख रहे थे। लेकिन जब आपको इतनी सस्ती प्राइस में इतना अच्छा प्राइमर मिल रहा है, तो आप ये क्यों ख़रीदेंगे, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी ये प्राइमर ख़रीदना है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने ये आपको बात क्लियर कर दी। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका डिटेल में भी रिव्यू दे सकती हूँ ऑरेंज पर टेस्ट आउट करके। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड प्रोडक्ट पर, जो कि इसका प्रोडक्ट है इनका स्नो ग्लो सीरम। ठीक है, इनके दो सीरम्स हैं वैसे, एक है गोल्ड 24 के गोल्ड सीरम और एक ये स्नो ग्लो सीरम। तो मैंने बोला कि चलो इनका स्नो ग्लो सीरम टेस्ट करते हैं। ये भी टेस्टर ही है आई थिंक, ये छोटी फॉर्म में, इनका बड़ी वाली शीशी में भी आता है। तो इनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही अच्छी है, सारे पैसे ही पैकेजिंग के, मतलब बहुत आला पैकेजिंग करते हैं ये लोग। और इसका ना इसके अंदर वो भी दिया गया है, आपको पंप भी दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो ये सीरम है, ये अगर आप स्किन केयर रूटीन के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो ये आपके लिए थोड़ा सा, मतलब वो है कि ये इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं देता। ठीक है, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी कॉम्बिनेशन है या ऑयली है, तो आप मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ, आप इसको अंडरनीथ बेस के नीचे नहीं यूज़ कर सकते, उससे बेस काफ़ी अजीब सी हो जाती है, ये मैंने नोट किया है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने बोला कि चलो आपके साथ भी मैं ये बात शेयर कर दूं। लेकिन एज ए स्किन केयर प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा है, तो मैं इसको स्किन केयर के लिए यूज़ करूँगी, और मतलब मुझे ये इतना मज़ेदार नहीं लगा तो मैं इसको वापस नहीं लूँगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इनके सबसे आला प्रोडक्ट पर, आई लव दिस प्रोडक्ट, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि है इनका ट्रांसलूसेंट पाउडर। तो मुझे इनका ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि इनका ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर कोई टेंट नहीं है। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं, इसकी पैकेजिंग बिल्कुल ही आला है, सारे पैसे इसी की पैकेजिंग के हैं। ठीक है, इसकी पैकेजिंग ऊपर से भी बहुत अच्छी है, नीचे से भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर आपको एक मिरर मिल जाएगा और इसके ऊपर लिखा हुआ ब्यूटीफाई बाय आमना, और इसके अंदर आपको एक पफ मिल जाएगा, और ये ऊपर से भी इसे तब आप इसको घुमा कर भी खोल सकते हैं, और इसके अंदर पाउडर ऑब्वियसली है। ठीक है, और पाउडर के ऊपर एक शीट भी लगी हुई है, जैसे हर पाउडर के ऊपर लगी होती है। तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी कूल है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि फुल साइज़ प्रोडक्ट है। और इसकी जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि मुझे लग रहा था मैं इसको अप्लाई करूँगी और उसके बाद ये वाइट वाइट सा मेरा बेस को वाइट कर देगा, बहुत अजीब सी लगेगी, लेकिन जब मैंने इसको अप्लाई किया और जब मैंने इसको रिमूव किया, मतलब झाड़ दिया ब्रश से, तो उसके बाद इसका कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं था, कोई ये वाइटिश सा फील नहीं करा रहा था, कोई अजीब नहीं लग रहा था, और कोई केकी नहीं लग रहा था, और कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पाउडर लगा लिया हो या अलग सा कलर हो गया हो या बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस बनी हुई हों। पाउडर के बाद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, क्रिस्टीन का पाउडर भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये इसने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑब्वियसली ये उससे एक्सपेंसिव है, अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप ज़रूर क्रिस्टीन का ले लें।
लेकिन ये भी बहुत अच्छा पाउडर है, लेकिन उसमें हल्का सा टिंट है, इसमें बिल्कुल भी टिंट नहीं है, ये बिल्कुल ट्रांसलूसेंट है और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और ना मतलब आप इसको ज़्यादा भी लगा लें तो आपको डर नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पाउडरी या चौकी चौकी फेस करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आई लव दिस प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ कि हम अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और ऊपर से आप कॉमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको देखनी है कि प्राइमर की टेस्टिंग वीडियो के मैं ऑरेंज पर आपको प्राइमर्स लगा के ऊपर बेस लगा के टेस्ट करके भी दिखा सकती हूँ अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो। तो अभी इनके बेहतरीन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मेरे दो ही फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं इनकी इसमें रेंज में पूरे में, और ये मुझे सबसे अच्छा लगा जो कि इनका टैन बॉन ब्रॉन्जर, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है भी है इंस्टाग्राम पर भी और हर जगह। अगर आपने हूला ब्रॉन्जर देखा है तो ये बहुत सारे लोग उसको इससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया तो मुझे नहीं पता हूला ब्रॉन्जर कैसा है, लेकिन मैंने बहुत सारे दूसरे ब्रॉन्जर यूज़ किए हैं तो मुझे उनसे तो ये बहुत अच्छा लगा। क्योंकि काफ़ी टाइम आप ब्रॉन्जर लगा रहे होते हैं और आपको फील आती है कि आपने जैसे कॉन्टोरी कर ली और वो ब्रॉन्ज नहीं फील देता, वो बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिश फील देता है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट सा वार्म सा लुक देता है आपके फेस को और बहुत ही अच्छे से ब्रॉन्ज करता है। और इसका जो ब्रश है ना वो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है, क्योंकि ये इसका ब्रश ना बिल्कुल आपको ऐसे दिखेगा कि जैसे झाड़ू जैसा ब्रश है, लेकिन ये बहुत अच्छा ब्रश है और इससे ही अच्छे से ब्रॉन्ज हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, शार्प ब्रश है, तो ये बहुत अच्छे से ब्रॉन्ज करता है आपके फेस को। तो अब आ जाते हैं हम इसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है ब्यूटीफाई बाय आमना का। ये इनका जो स्पंज है जो हर जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस तरीन प्रोडक्ट है, मैंने इनके कोशिश की थी कि जो सबसे ज़्यादा फेमस तरीन प्रोडक्ट्स है वही मंगवाऊं और वही चेक करूं कि वो किस तरीके के हैं, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और मैंने यूज़ भी इनको शादी वाले सीज़न में ही किया है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी ये जो मैंने आपको दिखाया है ये गीला है, मतलब ये फुल साइज्ड हुआ हुआ है, वेट है, ठीक है। अगर आप इसको सुखा देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और ये फुल साइज़ ब्लेंडर है और ये इतना ज़्यादा नरम है कि आप इसको स्क्वीज़ करेंगे तो बिल्कुल ही स्क्वीज़ हो जाएगा। मैंने दूसरे ब्लेंडर्स भी बहुत यूज़ किए हैं लेकिन वो इतने स्क्वीज़ नहीं होते, और जब आप उसको फेस पे लगाते हैं ना तो ऐसे लगता है कोई आप हार्ड चीज़ से ठा 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 फेस पे ना मतलब थप्पड़ की तरह मार रहे हो, ठीक है, ऐसे फील आती है। और ब्रश से भी बहुत अच्छे से फाउंडेशन लगता है और इस ब्यूटी ब्लेंडर से भी। तो अगर आप चाहते हैं तो इस ब्यूटी ब्लेंडर को भी ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। और अब मैं आपको इसका टेस्ट दिखा देती हूँ कि किस तरीके के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। बात तो हमने बहुत कर ली है, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि वो दूसरा वाला ब्यूटी ब्लेंडर किस तरीके का है और वो सच में अच्छा भी है या नहीं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, टैन बॉन ब्रॉन्जर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, और मुझे इनका ट्रांसलूसेंट पाउडर बहुत पसंद आया। ये दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई हैं, और बाकी चीज़ें अगर आपको लेनी है तो आपकी अपनी मर्जी है। बट क्योंकि प्राइमर इनका बहुत अच्छा तो है, लेकिन सेम ऐसी ही क्वालिटी का प्राइमर अगर आपको दूसरे में मिल रहा है तो आप ये क्यों खरीदेंगे, ठीक है। मुझे वो प्राइमर भी बहुत पसंद आया, अगर आपको ये प्राइमर ज़्यादा पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। मुझे इनकी जो तीन चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा पसंद आई हैं, बाकी इनका प्राइमर और इनका जो स्नो ग्लो सीरम है वो ठीक ठीक है, मतलब ले लें तो भी ठीक है, ना लें तो भी ठीक ही है। लेकिन इनकी पैकेजिंग सबसे अच्छी है, पैकेजिंग बहुत आला है, ठीक है। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी टेस्टिंग पर कि ये किस तरीके के हैं और इनका किस तरीके की फॉर्मुलेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका प्राइमर पहले टेस्ट करके दिखाती हूँ, सॉरी इग्नोर करें मेरे हैंड्स को। और इसका प्राइमर बिल्कुल ही जेल बेस है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। और अगर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपने थोड़ा सा प्राइमर लेना है, अपने हाथ पे लेना है, उंगलियों पे, और उसको अपने फेस पे प्रेस करते हुए लगाना है। मतलब आपने ड्रैग मोशन में नहीं लगाना, आपने प्रेसिंग मोशन में लगाना है, क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स को ना थोड़ा स्किन में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए आपको उसको ना प्रेसिंग मोशन में लगाना होता है, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। और अगर आपको दूसरी किसी ब्रांड की वीडियोज़ पर भी आपको वीडियो रिव्यू चाहिए तो मेक श्योर आप नीचे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई और वीडियो पर भी कोई और भी किसी और टाइप की भी वीडियो बनानी है, आप चाहते हैं कि हम बनाएं अपने चैनल पर, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने आपको प्राइमर टेस्ट करके बिल्कुल दिखा दिया है। तो अभी मैं इसके स्नो ग्लो सीरम पर चलती हूँ। स्नो ग्लो सीरम में वाइट वाइट चंक्स भी हैं, अगर मेरा कैमरा आपको सही से शो करे तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये देखें कि इसका पंप भी काफ़ी अच्छा है, और ये चीज़ मुझे इसकी पसंद आई थी। और ये देखें इसके अंदर अगर आपको चंक्स नज़र आ रहे हैं तो इसके अंदर हैं स्नो ग्लो सीरम नाम का, इसका नाम ऐसा है, तो इसमें स्नो स्नो टाइप के चंक्स भी हैं,
ठीक है। तो ये इसका बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और आराम से ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इतना कोई बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी का सिरम नहीं है, जो कि ऑयल बेस्ड सिरम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वालों के लिए होते हैं, तो वो नहीं है ये, मतलब नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ड्राई स्किन वालों के लिए ही नहीं है। उसके बाद ब्रॉन्ज़र मैंने बोला कि चलो आपको शेड ही टेस्ट करके दिखा दिया जाए कि किस टाइप का शेड है। बहुत सॉफ्ट शेड है, तो मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इसका ब्रश काफ़ी अच्छा है, इसके ब्रिसल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ये मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे है। और इसकी ये देखें, इसकी ना मैं दिखा रही हूँ कि आपको इसके प्रोडक्ट कितना इसके अंदर डीप, बहुत ज़्यादा इसका डीप आपको पैन नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर प्रोडक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ बहुत थिन लेयर है इसकी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, सॉफ्ट सा है ब्रॉन्ज़र, और मैंने ये डायरेक्ट इसके सिरम के बाद ही ब्रॉन्ज़र लगाया, तो बहुत शाइनी शाइनी सी स्किन आपको नज़र आ रही है। तो इग्नोर शेड वेड और सारी चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और अब मैं आपको इसका ट्रांसलूसेंट पाउडर टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया, और अभी मैं इसको रिमूव करूँगी ना, तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं आएगी कि यहाँ पे आपने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया अभी था। तो मैंने इसको बहुत अच्छे ज़्यादा लगा ली थी, और शादी में तो मैंने इसको मतलब एक्साइटमेंट में काफ़ी ज़्यादा लगा लिया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।